बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये वाला चार्ट सारा मुकम्मल किया हुआ है, लेकिन अब ये वाली एक वीडियो उनके लिए है जो अभी ये नोटिफिकेशन हुआ है ना 25% वाला, ये उनके लिए है। तो अगर ये वाली पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद से ये वाली फाइल जनरेट करना चाहते हैं, ये किस तरह जनरेट होगी इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सारा सारा ए टू जेड बताया हुआ है कि ये चार्ट हम किस तरह बना सकते हैं, बेसिक पे स्केल का चार्ट। तो अब मैं इस पर मज़ीद वर्क करूँगा कि ये हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पे अगर तो ये लगेगा तो उसके लिए मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा, और ये वाली बेसिक पे इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा 25% है उसके लिए 0.25 लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखें, ये हमारा बेसिक पे जो है उस पे ये वाला अप्लाई होगा। जिस बंदे की बेसिक पे 9130 रुपीज़ है उसके लिए ये 25% ये बनेगा। अगर ये फार्मूला, अगर ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है, अगर ये इस तरह अप्लाई होता है कि जो रनिंग बेसिक पे है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हर बंदे की कितनी पे बढ़ती है, तो उसके लिए इस चार्ट को बनाना भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जब प्लस का निशान बन जाएगा तो इसको यहाँ से पकड़ के राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा, तो ये देखेंगे उसी तरफ मूव हो रहा है और ये 30 स्टेजेस पर चला गया। तो इस तरह मैं ये पूरा चार्ट कम्प्लीट कर लेता हूँ जल्दी से, तो फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और ये नीचे हर एक पे अप्लाई करता जाऊँगा, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करता जाऊँगा। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। ये चार्ट बनाने के लिए आप खुद फार्मूला अप्लाई करके एक्सेल में खुद बना सकते हैं। हर बंदा जो अपनी पे चाहता है, लेकिन ये जर्नल भी अगर कोई बंदा बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक जो बंदा है जिसकी बेसिक पे हमारे पास 3 स्केल का अगर कोई बंदा है तो उसकी बेसिक पे है 9610 रुपये। तो अगर तो ये नोटिफिकेशन इनिशियल बेसिक पे अप्लाई होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला कॉलम ही कंसिडर होगा। और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। इनिशियल पे तो इसको मैं बोल्ड कर लूँगा। चार्ट जल्दी से कंप्लीट कर लिया है, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। इसमें देखें कि मैंने सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई किया था, ये वाला पहले जो चार्ट बना हुआ है ये पिछली वीडियो में मुकम्मल डिटेल है इसकी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करना है कि हमारा अगर तो बेसिक पे लगती है इनिशियल पे तो फिर वो जस्ट ये वाला कॉलम सारा ही हमारे काम का है, बाकी कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो अगर तो हमारे पास जो करंट हमारी रनिंग बेसिक है उस पे अगर अप्लाई होता है तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए हमने चार्ट मुकम्मल कर लिया है ए टू जेड, जहाँ पे जिस बंदे का ये, अगर मैं चाहता हूँ कि एक 11 स्केल का बंदा है जिसकी स्टेज हमारे पास बन रही है, जिसकी 10th स्टेज बन रही है हमारे पास 10th स्टेज, तो वो ये वाली स्टेज है, ठीक है। इसमें मैं देखूंगा 11 स्केल वाले बंदे की 21370 है बेसिक पे, तो उसके लिए अगर 25% देखेंगे तो वो ये वाला बॉक्स बनेगा 5343 रुपये। और अगर यही स्टेज इनिशियल पे अप्लाई होता है तो फिर उसके लिए ये वाला ही मामला होगा कि 12000
570 रुपये बेसिक है 2017 के मुताबिक, तो उसकी बेसिक पे की 25% अगर बढ़ेगा तो वो 3143 रुपये बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा रनिंग बेसिक पे जिस स्टेज पे हम मौजूद हैं, तो फिर उसके लिए ये वाला चार्ट आपके लिए बहुत ही काम आएगा। इसमें सारी डिटेल दी गई है ऑल स्केल्स की, तो इसमें से आप देख सकते हैं। ये स्टेजेस वो हैं जो अब 14 स्टेजेस हैं और ये हैं 20 स्टेजेस वाला। तो इसके अलावा बाकी सारा ये चार्ट मुकम्मल है। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।